हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने लेके संघर्ष की एक और नई कहानी। इस कहानी के जो पात्र हैं उन्होंने डांस के लिए अपने पिताजी से लड़ाई करके घर त्याग दिया था, परंतु बड़े भाई के सपोर्ट के जरिए आज वे बहुत बड़े डांसर बन पाए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल के डांसर जिनके डांस को देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुनीत जे पाठक की। पुनीत का जन्म 1 नवंबर 1986 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता का नाम है जयेश पाठक और ये दो भाई हैं। इनके बड़े भाई का नाम निशित पाठक है। पुनीत बचपन से ही अपनी पढ़ाई में अच्छे थे, साथ ही साथ वे क्रिकेट और एक्टिंग में भी बहुत अच्छे थे, जिसके चलते या तो वे क्रिकेटर या फिल्म मेकर बनना चाहते थे, पर उनका ध्यान कॉलेज के दिनों में डांस की तरफ ज्यादा जाने लगा। अंततः उन्होंने एक अच्छा डांसर बनने का फैसला किया, परंतु इस फैसले से उनके पिताजी बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि पुनीत अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए, परंतु पुनीत को बिजनेस में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए पुनीत ने अपने डांस को जारी रखा और इसका ये नतीजा निकला कि इस फैसले के कारण पुनीत को उनके पिता ने घर से निकल जाने को कहा। इसी टकराव के बीच पुनीत के बड़े भाई नीतीश ने अपने सपनों को छोड़ पिता के बिजनेस को संभालने का फैसला लिया और पुनीत का भी सपोर्ट किया, और इसी वजह से पुनीत आज इतने बड़े डांसर बन पाए हैं। पुनीत ने अपने डांस की पढ़ाई टेरेंस लुइस डांस इंस्टीट्यूट से की। और बात करें उनके करियर की शुरुआत की, तो उन्होंने अपने करियर में डीआईडी सीजन 2 के अंदर ऑडिशन देकर शुरू किया, और पुनीत का ऑडिशन का डांस इतना सुंदर था कि पुनीत को डीआईडी के तीनों जज ने स्टैंडिंग ऑडिशन दिया था। और इसी के साथ आगे चलते हुए पुनीत ने इस शो में तीसरा स्थान हासिल किया। फिर आगे चल के पुनीत ने 2013 में आई एबीसीडी फिल्म में एक कमाल का रोल अदा किया, जिससे लोगों को पुनीत की एक्टिंग का भी पता चल गया था। फिर आगे बढ़ते हुए पुनीत ने झलक दिखला जा सीजन 3 को कोरियोग्राफ किया। फिर पुनीत इस मुकाम पर पहुंच गए थे जिस शो में वे पुनीत एक कंटेस्टेंट के तौर पर गए थे, उसमें वे जज बनाए गए। वह शो था डीआईडी का सीजन 5। इस क्रम में वे डांस प्लस के सीजन 2 और 3 के भी जज रहे थे, और उन्होंने 2015 में आई एबीसीडी 2 फिल्म में भी बहुत ही कमाल की एक्टिंग करके लोगों का दिल जीत लिया था। फिर 2018 में आई नवाबजादे में कमाल की कॉमेडी करके लोगों को खूब हंसाया। तो उधर 2020 में आई फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में अपने इमोशनल लुक से लोगों की आंखें नम कर दी। पुनीत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 को भी जीता है। और बात करें पुनीत के फिल्म मेकर की, तो पुनीत ने अपने डायरेक्शन में 4 म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट और कोरियोग्राफ किया है, जिनके नाम है बल्ले बल्ले, इश्कना, तेरा क्या होता, भुला दूंगा। और पुनीत खुद कहते हैं कि डांस के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े कष्ट सहे हैं और इतनी कठिनाइयों के बाद मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो आप सब भी मेहनत करके अपने अंदर के हुनर को आगे बढ़ाइए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग।